अपने बर्थडे के एक दिन पहले पवन सिंह ने एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट किया है अपने फैंस के लिए। जी हाँ, पवन सिंह ने वो किया है कि जो उनके फैंस काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे। जी हाँ, बॉलीवुड का एक हिंदी सॉन्ग। और कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि पवन सिंह के फैंस हैं जो लगातार ये कह रहे थे कि कब आएगा आपका बॉलीवुड का एक और हिंदी सॉन्ग, क्योंकि कमरिया हिला रही है ने तो बहुत बवाल मचाया था। और अब फिर से पवन सिंह एक और बवाल, धमाल और कमाल करने जा रहे हैं। जी हाँ, उनका हिंदी सॉन्ग आ रहा है और इसका अनाउंसमेंट खुद पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से किया है कि वो जल्द ही आदित्य देव और पायल देव के साथ मिलकर एक और हिंदी सॉन्ग लेकर आ रहे हैं, जिस पे काम चालू हो चुका है और जिसके सिलसिले में पवन सिंह पायल देव और आदित्य देव से मिलने उनके स्टूडियो तक गए थे। वैसे कमरिया हिला रही का रिकॉर्ड तो सभी को याद ही होगा कि ये गाना 2 दिनों तक ट्रेंडिंग नंबर 1 रहा और इस गाने ने बहुत बड़ा व्यूज क्रिएट किया था। और अब बारी है दूसरे सॉन्ग की। जी हाँ, जिसका अनाउंसमेंट आपको तो हमने पहले ही बता दिया कि खुद पवन सिंह ने किया और इस पर बात भी चल रही है, काम भी जारी हो चुका है, तो हो सकता है जल्द ही आपको फिर से सुनने को मिल जाए पवन सिंह का एक और हिंदी सॉन्ग। वैसे इसका इंतज़ार तो पवन के जितने भी फैंस हैं वो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ भोजपुरिया जहान भी कर रहा है, क्योंकि बॉलीवुड में अब धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री का जो दबदबा बढ़ने लगा है। तो आप कितने तैयार हैं पवन सिंह के दूसरे हिंदी सॉन्ग के लिए, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।